नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गपशप न्यूज में। अगस्त के महीने में एस्ट्रोनॉमर्स के बीच पर्सियन मीटियोर शावर को लेकर उत्साह है। 17 जुलाई से शुरू हो चुकी ये बरसात 24 अगस्त तक जारी रहेगी, लेकिन 13 अगस्त तक ये अपने चरम पर रही। इस दौरान दुनिया के कई हिस्सों में इसे देखा गया। पर्सीड किसी एस्टेरॉयड नहीं बल्कि कॉमेट यानी धूमकेतु स्विफ्ट टफल से निकले उल्कापिंड है। ये खास उल्कापिंड बेहद चमकीले फायरबॉल जैसे होते हैं, इसलिए इन्हें देखा जाना आसान है। पर्सीड को रात 2 बजे के बाद चांद की हल्की रोशनी में बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। भारत में इन दिनों आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, जिसकी वजह से इसे देखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन चांद की रोशनी में ये मुमकिन हो सकता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अंधेरे में आधे घंटे तक सिर्फ आसमान की ओर देखने से आंखें इन्हें बेहतर देख सकती हैं। आसपास की रोशनी इसमें खलल डाल सकती है। पर्सीड हर साल होने वाले सबसे अहम मीटियोर शावर में शुमार होता है। नासा के मुताबिक हर साल इस दौरान कई उल्कापिंड देखे जा सकते हैं, लेकिन इस बार ऐसे वक्त में आ रहा है जब हर घंटे 60 की जगह सिर्फ 15 से 20 उल्कापिंड ही देखे जा सकते हैं। उल्कापिंड एस्टेरॉयड यानी स्पेस की चट्टान का हिस्सा होते हैं। किसी वजह से एस्टेरॉयड के टूटने पर उनका छोटा सा टुकड़ा उनसे अलग हो जाता है, जिसे उल्कापिंड यानी मीटियोरॉयड कहते हैं। जब ये उल्कापिंड धरती के करीब पहुंचते हैं तो वायुमंडल के संपर्क में आने के साथ ये जल उठते हैं और हमें दिखाई देते हैं एक रोशनी जो शूटिंग स्टार यानी टूटते तारे की तरह लगती है, लेकिन ये वाकई में तारे नहीं होते। इन्हें मीटियोर कहा जाता है और ढेर सारे उल्कापिंड की बरसात को मीटियोर शावर कहते हैं। भारत में कई जगह पर बारिश का मौसम होने के कारण इन्हें साफ साफ नहीं देखा जा सका। 13 अगस्त के बाद से अब इन्हीं संख्या कम होने लगेगी, लेकिन रात के अंधेरे में सिर्फ चांद की रोशनी में हो सकता है कि फिर इन्हें देखा जा सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।